सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे लैपटॉप की। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको टॉप फोर लैपटॉप बताने वाला हूं। अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक अगर आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहते हो, अगर आपको एनिमेशन करनी है, या अगर आपको कोरलड्रॉ पे काम करना, फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना चाहते हो, मतलब ये कैटेगरीज के लिए बेस्ट होने वाले हैं। एंड अगर आपके बड़े 50,000 है ना, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। अभी बात करते हैं नंबर फोर की। सो यार नंबर फोर की बात करते हैं, लेकिन नंबर फोर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नंबर फोर एंड नंबर थ्री मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, बिकॉज दोनों ही जो लैपटॉप आते हैं ना, HP की ओर से देखने को मिल जाते हैं। मैं बात करूं HP 14 की, एंड मैं बात कर रहा हूं HP 15 की। अगर मैं इनके कंपैरिजन की बात करूं ना, तो स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिलते हैं, लेकिन HP 15 में आपको 15 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन HP 14 में आपको 14 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें ना आपको i3 11th जनरेशन भी मिल जाएगा 50,000 के प्राइस रेंज में, आपको i5 11th जनरेशन भी मिल जाएगा, एंड कभी कभी आपको राइजन 5 5500U के साथ जो प्रोसेसर आता है ना, आपको वो भी देखने को मिल जाता है। मैं तीनों के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोसेसर मिल जाते हैं, लाइक अगर आपको राइजन 5 5500U प्रोसेसर मिल जाता है ना, तो भाई आप आँख बंद करके ले सकते हो 50,000 के प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आपको i5 मिल जाता है 11th जनरेशन के साथ, आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलता है, तो आप 50,000 से कम ही पे करना, ठीक है। अगर आपको i3 11th जनरेशन मिल रहा है, वो भी 512 GB के साथ, जहाँ 256 GB के साथ, तो आप 45,000 पे कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर मत चले जाना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर मैं इसके अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो 40 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 8 GB रैम प्लस 16 GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, $5 आपको SSD, वो भी NVMe SSD देखने को मिल जाती है, जो कि डाटा वगैरह ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। Alexa built-in देखने को मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, 720p वेब कैमरा मिल जाता है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिकेशन थे HP 14 के। ऐसा नहीं है कि HP 15 में ये स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते, सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। Wi-Fi 6 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, वो हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। आई थी मक्खी को मदी पैया, उस चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको सेम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपको बाय करनी है, मैंने दोनों के आपको जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको सिर्फ चाउड करने हैं, तो भी आप चाउड भी कर सकते हो, चाउड करने के कोई पैसे नहीं लगते। अभी नंबर टू की बात कर लेते हैं। तो यार नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर मैंने रखा है एसर की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं एसर इंस्पायर 5 की। तो अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए ना, इसका डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत ज़्यादा बेस्ट है, एंड ये 50,000 के प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने वैसे इसका प्राइस रेंज देखा था, इसका प्राइस आपको 51,000 देखने को मिलता था, लेकिन 50,000 के प्राइस रेंज में भी मिल जाता है, 1,000 ही ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले IPS पैनल के साथ मिल जाती है, 8 GB रैम है, 24 GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, 512 GB आपको SSD देखने को मिलेगी, प्लस आप 2 TB जो है वो HDD इंस्टॉल कर सकते हो, तो स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रह जाता। Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5500U के साथ, AMD Radeon ग्राफिक कार्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 2019 वर्जन आपको MS Office मिल जाता है, पोर्ट्स वगैरह सभी अवेलेबल है। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। Wi-Fi 6 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगानी होती है, तो भी आप 720p वेब कैमरे के साथ लगा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस लैपटॉप के भी बता दिया, लाइक ये लैपटॉप जो है ना, लाइक अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना है, कोरलड्रॉ यूज़ करना है, लाइक अगर आपको माया जैसा सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है ना, तो भाई आप इस लैपटॉप पे यूज़ कर सकोगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो 24 GB रैम थोड़ी सी अपग्रेड कर लेना, वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ कि कौन सा लैपटॉप किस कैटेगरी के लिए बेस्ट होने वाला है, लेकिन जो HP का लैपटॉप था ना, मैंने शायद उसके बारे में नहीं बताया। तो भाई अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, या अगर आपने एवरीडे यूज करना है ना, तो नॉर्मल टास्किंग, तो आप उस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं नंबर वन की। तो यार नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर मैंने रखा है ASUS की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं ASUS VivoBook K15 OLED की। इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लाइक अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना है, या अगर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है ना, तो भी आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। जितनी अच्छी डिस्प्ले होगी, उतना अच्छा कलर ग्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस होगा आपका। 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, OLED डिस्प्ले 400 nits ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है, प्लस i3 11th जनरेशन देखने को मिलेगा, 8 GB
जीबी रैम 12 GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन, 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती है, SSD थोड़ी सी कम है लेकिन आपको HDD स्लॉट देखने को मिल जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। डिस्प्ले अच्छी मिलती है लेकिन स्टोरेज थोड़ा सा कम मिल जाता है। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड मिलेगा, ओपनिंग सिस्टम विंडो 10 देखने को मिल जाती है, MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन, फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है पहले बोल दिया मैंने, ठीक है, तो फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है विंडो 11 का, 8 आवर्स का बैटरी बैकअप, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, पोर्ट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, वाईफाई 6 की पोर्ट प्लस 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको ASUS VIVOBOOK K15 OLED की भी बता दिया, ठीक है, तो इसकी डिस्प्ले ज्यादा बेस्ट होने वाली है। Acer लैपटॉप मैं आपको तब रिकमेंड कर रहा हूं लाइक अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए, उसके साथ साथ भी अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको HP लैपटॉप की ओर जाना है तो भी अगर आपको डेली यूज़ करना है ना, ज़्यादा हैवी टास्किंग वगैरह नहीं करनी, तो आपके लिए वो लैपटॉप बेस्ट हो सकता है 50,000 के प्राइस रेंज में। मैंने अभी आपको 4 लैपटॉप बता दिए, ये चारों के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी प्रोवाइड कर दिए। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आप अपना काम पूरा करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।